दूसरा है कि तो जब कोई व्यक्ति हुआवर, हुआवर मीन्स कोई भी व्यक्ति अबैक करता है टेन प्लस मोर पर्संस और पब्लिक जनरल, देखिए ड्राफ्ट जब आईपीसी को किया जा रहा था तो उस समय सेक्शन 117 के ऊपर एक ऑब्जेक्शन आ रहा था। ऑब्जेक्शन क्या था कि ऐसा लिखना कि 10 या 10 से ज्यादा आदमी या पब्लिक जनरली आप अवैध करते हैं, तो ऑब्जेक्शन ये था कि ये जो प्रोविजन है ये वेग है, आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी चाहिए, क्या स्पेशली मेंशन करो वो सर्कमस्टांसेस कि कौन कौन सी केस में आप 117 को शामिल करेंगे, भाई क्या क्या ऐसे मैटर्स हैं जहां आप मानेंगे कि सिर्फ उन केसेस में 117 लागू होगा, इस तरह के जो कुछ केसेस थे आप उन्हें मेंशन करें, ऐसा ऑब्जेक्शन आया। और वो जो ऑब्जेक्शन था वो या ऑब्जेक्शन करने वाले चाहते थे कि इसके अंदर क्या और ऐड होना चाहिए, वो अगर आप देखना चाहें तो वो है सेक्शन 124A जो बाद में आईपीसी में जोड़ दिया गया। तो 124A में जो बाद में जोड़ा गया, लोग चाहते थे कि 117 में वो चीज जोड़ दी जाए ताकि वो चीज स्पेसिफिकली मेंशन हो कि भाई हम जो है इन चीजों को मानने लेके अगर उस केस में आप 10 से ज्यादा या पब्लिक जनरली को अवैध करते हैं तो सजा मिलेगी। ठीक है, यहां एक इलस्ट्रेशन है कि इलस्ट्रेशन क्या है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसने इश्तिहार लगा दिए पार्टिकुलर कोई संप्रदाय है सेक्ट है उसके खिलाफ कि आप इकट्ठे हों और उनके खिलाफ हमें कोई एक्शन लेना है या फिर उनके साथ मार पिटाई करनी है या कोई भी ऑफेंस कमिट करना है, तो ए ने जो ऑफेंस किया था इज पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट, क्योंकि एक से मतलब 10 या 10 से ज्यादा या सेक्ट क्या है एक संप्रदाय की है पब्लिक जनरली, क्योंकि पब्लिक की डेफिनेशन में सेक्ट भी शामिल है संप्रदाय। इसके अलावा भी इस सेक्शन में एक इलस्ट्रेशन जोड़ी गई थी जबकि ड्राफ्ट बिल बनाया, और वो क्या थी कि ए नाम का कोई व्यक्ति किसी न्यूज़पेपर में कोई खबर निकालता है किसी कम्युनिटी स्पेसिफिक के खिलाफ, तो ही हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर 117। एक इलस्ट्रेशन और भी थी। नाउ देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन 117 एंड सेक्शन 120। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि जब एक बार 117 का चार्ज किसी के ऊपर लग जाए तो सेपरेट चार्ज सेक्शन 120 का लगेगा या नहीं लगेगा, मीनिंग देयर बाय सेक्शन 117 के साथ सेक्शन 120B पॉसिबल है, क्योंकि यहां जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक इंग्रेडिएंट है अबेटमेंट का और यहां जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक स्पेशल ऑफेंस है,
unless इसका आंसर है unless and until the charge are framed, जब तक 120B के स्पेसिफिक चार्ज फ्रेम ना कर दिए जाएं, ये चार्ज नहीं लग सकता। ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ 117 में एफआईआर हुई और बाद में ड्यूरिंग ट्रायल वो चार्ज फेल कर गया, मान लिया प्रूव नहीं हो पाया, डजंट मीन कि फिर वो 120B में अपने आप आ गया कि भाई चलो वो चीज तो प्रूव नहीं हो पाई 120B में। ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए स्पेशल चार्ज चाहिए। ठीक है सर।